हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज हम गए दशहरा देखने। बहुत ज़्यादा रश होती है इस दिन पर मेले में, दशहरे वाले दिन में प्रॉपर। यहाँ पर फरीदाबाद में बहुत फेमस दशहरा मेला लगता है, जहाँ बहुत दूर दूर से लोग आते हैं। तो हम लोग भी गए हैं दशहरा देखने। हम लोग दिन में चले गए थे क्योंकि इवनिंग में बहुत रश हो जाती है। तो यहाँ बहुत सारी वैरायटी होती है, जहाँ पर आप बहुत कुछ परचेज कर सकते हो। ये सब के बारे में तो आप जानते हो, छोटी छोटी सी बॉल्स होती हैं जो पानी में थोड़ी देर रखने से थोड़ी सी फूल जाती हैं। यहाँ पर कुछ माता की मूर्तियाँ भी थी, गणेश जी की मूर्तियाँ भी थी, जो लोग परचेज करना चाहते थे भगवान जी की मूर्तियाँ वो यहाँ से परचेज कर सकते थे। उसके बाद कुछ मैंने रग्स देखे, रग्स के ऑप्शन बहुत अच्छे थे, जो नॉर्मल मार्केट में बहुत एक्सपेंसिव मिलते हैं, यहाँ पर बहुत चीप रेट में मिल रहे थे। भगवान जी के आसन की वैरायटी बहुत अच्छी थी, आपके टेबल मैट डोर मैट के ऑप्शन बहुत ह्यूज वैरायटी में थे। यहाँ बहुत सारी चीज़ें मिलती हैं छोटी छोटी, अगर किसी को परचेज करनी है तो बहुत अच्छे ऑप्शन होते हैं। परचेज के पर्पज से आप बहुत कुछ यहाँ से खरीद सकते हो। थोड़ा सा आगे जाके कुछ क्लचर्स की, रबर्स की, हेयर रबर्स की वैरायटी भी बहुत अच्छी थी। हेयर बैंड्स थे बच्चों के पर्पज के, और मेन सबको झूले जो बहुत पसंद आते हैं, पर मुझे नहीं पसंद आते बच्चों के, बड़ों के पर्पज के, सबके यहाँ पर झूले थे। फिर हमने जो झाड़ को उसके टेप की छोटी सी गाड़ी में बिठा के उसको झूला झुलवाया, वो बहुत खुश हो गया क्योंकि बड़े झूले से हमें थोड़ा सा डर लगता है। तो हमने उसको बड़े झूले की तरफ भेजा, नहीं उसके टाइप का था छोटा कार वाला झूला, तो उसको हमने उसी में बिठाया। हम थोड़ा सा आगे गए तो वहाँ पर हॉर्स राइडिंग और कैमल राइडिंग के भी ऑप्शन थे। तो बहुत लोग वहाँ पर हॉर्स राइडिंग कर रहे थे, लेकिन मुझे बहुत डर लगता है कि मुझे बिल्कुल नहीं पसंद ना हॉर्स राइडिंग, तो ना कैमल राइडिंग, तो मैं बिल्कुल भी इंटरेस्टेड नहीं था। मैं जाना चाहती भी थी बट फिर भी मेरे से ऊपर भी नहीं चढ़ा जा रहा था, तो मैंने फिर नहीं गई। तो जुझार को लेकर जुझार के पापा गए, पूरा एक ग्राउंड लगा कर आए हॉर्स राइडिंग कर, जुझार बहुत खुश हो गया, उन्होंने बहुत अच्छे से इंजॉय करा। बेसिकली क्या होता है कि ये सारे मेला वेला में तो बच्चे काफ़ी ज़्यादा इंजॉय करते हैं, तो बहुत ज़्यादा रश होता है। हम लोग बहुत जल्दी चले गए थे, दिन में देखने गए थे, लेकिन जाने का मज़ा तो रात में होता है। रात में प्रॉपर लाइटिंग होती है, प्रॉपर फील आता है घूमने का, बहुत अच्छा लगता है। बट दिन में भी ओके था क्योंकि बहुत ज़्यादा रश नहीं थी। इवनिंग में बहुत ज़्यादा रश होती थी और स्नैचिंग वगैरह का भी डर बहुत ज़्यादा होता है। झार ने बहुत इंजॉय करी अच्छे से हॉर्स राइडिंग, मज़ा आया। फिर हमने थोड़ी दूर से गए तो हमने थोड़ा बहुत कुछ खाया पिया, कुछ खाने पीने के तो ऑप्शन नहीं थे। ये था मेन अट्रैक्शन मिस्टर रावण। यहाँ पर तीन तरह के अलग अलग रावण बने हुए थे, जिन बेसिकली जिनको देखने आते हैं। जो उनको रावण को जलाने का टाइम होता है वो इवनिंग में होता है, लेट नाइट पर जलाते हैं, तो उस टाइम पर बहुत रश हो जाता है। तो कुछ लोग होते हैं जो टाइमली देख कर घूम कर मेले को निकल जाते हैं टाइम पर। बबल्स वाले थे जिस बच्चे बहुत पसंद करते हैं ये बबल्स, तो बहुत मज़ा आया था, बहुत अच्छा था। यहाँ पर सब रावण के साथ अपनी सेल्फीज लेने बिजली, पता नहीं क्यों लोग रावण के साथ अपनी सेल्फीज लेना चाहते थे। हमने खाई आइसक्रीम, जिसको खाने से मेरा तो ऑलरेडी गला बहुत ज़्यादा ख़राब हो गया। मैं तो छान दो आराम से जो जाता घूम घूम के इतना थक गया था, उसने आराम से आइसक्रीम वाले कार्ट पर ही बैठ कर सही अपनी आइसक्रीम इंजॉय करी और बहुत मज़े से आइसक्रीम खा रहा था, जबकि उसको भी ऑलरेडी बहुत कोल्ड और कफ हो चुका था।
कभी ऐसे में बहुत ज़्यादा अच्छी तो नहीं थी, बट ठीक थी, ओके ओके थी, क्योंकि मेले वेले में बहुत अच्छी चीज़ें मिलती नहीं है। वहाँ पर कोई फेमस मामा भांजा छोले भटूरे भी मिलकर बेच रहे थे, बहुत सारी धूल मिट्टी में मसाले वाले, लेकिन मुझे थोड़ा सा आगे जाके डांस बहुत अच्छी लगी। किड्स के टॉयज के यहाँ पे बहुत अच्छे ऑप्शंस अवेलेबल थे, क्योंकि बच्चे इन जगहों पे जाके बहुत तंग करते हैं कुछ भी लेने के लिए, तो यहाँ से आप बहुत अच्छी वैरायटी लेकर, बहुत अच्छी तो नहीं मतलब 100-100 वैरायटी यहाँ से आप लेकर जा सकते हो। एंड में यहाँ से बाहर निकलते हुए मुझे एयरिंग्स की कलेक्शन नजर आएगी, जिसमें एयरिंग्स के काफी अच्छे ऑप्शन थे। ट्रेडिशनल के साथ पहनने वाले भी और वेस्टर्न के साथ पहनने वाले एयरिंग्स के भी बहुत अच्छी कलेक्शन थे, और सारे 100 रुपीज में ही अवेलेबल थे, कोई एक्सपेंसिव नहीं थे, 100 रुपीज में आप कोई भी पेयर यहाँ से लेकर जा सकते थे। तो एंड में हमने तो झार के लिए एक दो छोटी छोटी सी चीज़ें ली, बैट बॉल लिया, ये ड्रम उसको बहुत अच्छा लगता है, ढोल बजाना वो लिया, और शाम होते होते हम लोग घर वापस चले गए। ये था आज का व्लॉग, और आज के व्लॉग में बस इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय। आगे से देखते हैं।